हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे जीवन में जब तक साधना नहीं होती तब तक बाधक तत्व नहीं जाते। साधना क्या होगी, हमें क्या बाधक, क्या हमको रोक रहा है? साधन निष्ठा तब तक नहीं होती जब तक साध्य निष्ठा नहीं होती। अगर किसी को कहीं जाना नहीं है और वो रेलवे स्टेशन गया, उसके मन में आग्रह नहीं रहेगा इसी ट्रेन पे बैठना है, तो शायद सभी ट्रेन उसको अच्छी लग सकती हैं, सभी ठीक ठाक लगेंगी या सभी फ्लाइट अच्छी लगेगी, लेकिन जब उसको पहुंचना है, मान लीजिए उसको चेन्नई पहुंचना है या कोलकाता पहुंचना है या बेंगलोर पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, और उसके पास पक्का है कि यही फ्लाइट जाती है, इसका टाइम 6:30 बजे है, हमें 5 बजे बोर्डिंग है, हम वहाँ पहुंच जाएंगे, बोर्डिंग स्टार्ट्स एट 6:00 लिखा हुआ है और फ्लाइट न, तब उसको दूसरे गेट अच्छे नहीं लगेंगे, उसको दूसरी फ्लाइट अच्छी नहीं लगेगी, भले ही उसका टिकट आपके पास हो, भले ही उसका पायलट परिचित हो, लेकिन चूंकि आपको पहुंचना वहाँ पे है तो आपको वही टिकट अच्छा लगेगा, उसको आप कस के पर करेंगे, बार बार देख लेंगे कि है कि नहीं है, बार बार टच कर लेंगे ये है ना, देख लेते ये है, जहाँ भी आपने रखा हो पर्स में रखा हो बार बार, और कभी लगेगी नहीं है तो जैसे जान निकल गई, IBS हो जाएगा। एक एक अगर ले कहीं नहीं है घबरा जाएगा मन। साध्य निष्ठा पैदा करना ये शास्त्र का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, कि यहाँ पे प्राप्त करने लायक चीज है क्या। जैसे आप बनारस गए, एक कोई कभी गया ना हो तो पूछेगा कि बनारस में देखने लायक क्या है, या प्रयागराज गए बोले हमारे पास 2 दिन का समय है, हम 2 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वहाँ हम कर सकते। कोई बोलेगा भाई आप संगम स्नान कर लो, भरद्वाज आश्रम चले जाओ, हाँ मन कामेश्वर चले जाओ, हम 3-4 बात तुमको बता देते हैं, या वाराणसी में हो विश्वनाथ जी का दर्शन कर लो, गंगा स्नान कर लो, संकट मोचन में चले जाओ, इतना तुम 2 दिन में आराम से कर सकते हो। उसके बाद वो अपना शेड्यूल इटनरी प्लान आउट कर लेगा, या पुणे में देखने लायक चीज क्या है वो प्लान आउट कर लेगा। आपके पास 60-70 साल का समय है जिसको आप जीवन बोलते हैं, यहाँ पाने लायक चीज क्या थी, क्या चीज थी? हम लोग को बस शांति चाहिए, लेकिन वो शांति का स्वरूप क्या है वो हमको पता नहीं है। यहाँ पे उपनिषदों ने और रामायण ने हमको मदद किया। सबसे पहले आप प्राप्तव्य ज्ञातव्य निश्चित करिए, फिर प्राप्तव्य निश्चित करिए, फिर त्यक्तव्य निश्चित करिए, फिर कर्तव्य निश्चित करिए, फिर भोक्तव्य निश्चित करिए। फिर से बोल देंगे हम एक एक करके। प्राप्तव्य मतलब यहाँ प्राप्त करने लायक, एक तव्य प्रत्यय होता है संस्कृत में, व्हाट शुड बी डन, उसको बोलते हैं तव्य प्रत्यय। हाँ, जैसे कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य, तो यहाँ सबसे यहाँ जानने लायक चीज क्या है? यद ज्ञात्वा न भूयोन्यत् भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, गीता में आता है, सुना होगा आपने। यहाँ जानने लायक क्या है? उपनिषदों ने बोला आत्मा वा इति श्रोतव्य मंतव्य ज्ञातव्य, बहुत बोला है। यहां तक बोल दिया उपनिषदों ने कि अगर आप मर्ग बिना आत्मा को जाने
तो बहुत बड़ा सत्यानाश हो गया, क्योंकि पता नहीं आगे कब अवसर मिलेगा। मन पछते हैं अवसर बीते। यह चेत अवेदित सत्यमस्ति, नो चेद यह अवेदित महति विनष्टि। केनोपनिषद की श्रुति बोलती है बहुत बड़ा तुम्हारा नुकसान हो गया है। तो एक तो निश्चित इसीलिए बड़े बड़े ग्रंथ हैं कि हमारे बुद्धि में बात चली जाए, हमारे बुद्धि में वो बात चली जाए। ज्ञातव्य पहला बोला था, व्हाट इज वर्थ नोइंग, व्हाट इज वर्थ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। फिर यद ज्ञात्वा न भूयो नियत ज्ञातव्यम अवशेष, जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता जानना। वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः, सारे वेदों से हमको ही जानना चाहिए। सुन, आप लोग शायद पाठ करते होंगे 15वें अध्याय का, वेदैश्च सर्वैहि अहम ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद को ही खोजो। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी की प्रपत्ति लो। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। क्या है प्राप्त करने लायक, क्या है सबसे बड़ी चीज, क्या है आप उसको डिसाइड करेंगे। फिर दूसरा था प्राप्तव्य। प्राप्तव्य क्या है? ज्ञातव्य तो आत्मा और ब्रह्म की एकता है। प्राप्तव्य क्या है? प्राप्त मतलब व्हाट इज वर्थ अटेनिंग। फर्स्ट वाज वर्थ नोइंग। वर्थ अटेनिंग है अंतःकरण की शुद्धि, भगवान की प्रसन्नता। अंतकरण की शुद्धि, यही अरण्य कांड में जो राक्षस हैं वो हमारे अंतकरण में दोष है। हमने सुबह तो यही देखा था, शायद आपको स्मरण होगा तो होगा, याद आ रहा है ना कुछ कुछ, वो प्राप्तव्य है। त्यक्तव्य क्या है? क्या छोड़ देना चाहिए। थर्ड व्हाट इज वर्थ लिविंग, त्यक्तव्य। त्यक्तव्य व्हाट इज वर्थ लिविंग, व्हाट शुड बी लेफ्ट, शुड बी, तव्य प्रत्यय में शुड भी होता है, शुड भी तव्य प्रत्यय इसको बोलते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? व्हाट इज कर्तव्य। उस इन चारों पे डिसाइड करेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हर आदमी का कर्तव्य अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको कुछ त्यागना है, उसको कुछ त्यागना है। गृहस्थ का कर्तव्य अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है, और फिर कर्तव्य होगा, और फिर वर्थ। कर्तव्य मतलब व्हाट शुड बी डन। कर्तव्य हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कर्तव्य के कर्तव्य तब डिसाइड होता है जब आपका तीनों चीज डिसाइड हो गया हो, वो हम निश्चित हो जाएं कि दिस इज व्हाट इज वर्थ लिविंग और वर्थ नोइंग और वर्थली अटेनिंग। हमें भगवान की बहुत कृपा की जरूरत है, या हमें अंतकरण जो है, हमें इस तरह के काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं चाहिए। फिर हमें क्या करना है? फिर प्रश्न होता है, ठीक है हम जप कर लें, पूजा कर लें, गुरु के पास जाएं, मैंने क्यों जाएं? कभी कभी लोग आके बोलते हैं क्या साधन करें, क्या जरूरत साधन करने की, साधन न करो तो भी तुम्हारा काम चल रहा है। वो निष्ठा पकड़ नहीं आ पाती। और आखिरी वाली मत मान बोला कि क्या भोक्तव्य है, व्हाट इज वर्थ इंजॉइंग, हम क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं। इन सब बातों का निश्चय करने के लिए ही अनेक करेक्टर से, अनेक अनेक कथानक से, रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में इन चारों पांचों चीज को पोर्ट्रे किया गया है। पांच चीज है, शायद आपका ध्यान इस पे जाएगा। ठीक, ये अपने लिए है। अगर ये बात स्पष्ट होती है फिर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से एक बार अरण्यकांड में, फिर हम प्रवेश करते हैं। और आपको शायद स्मरण हो कि हम लोग अगस्त जी के आश्रम के पास जा रहे थे। वी वेर नियर अगस्त जीज आश्रम।
मेरे ख्याल त्रयोदश एकादश में ही थे हैं? दशम सर्ग में थे। हाँ 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 दशम हो गया था, एकादश सर को चल, एकादश पे थे। ठीक है ठीक है, हमको जरा मार्क लगा लेना चाहिए था यहाँ पे, मार्क कहीं और लगाए। तो एकादश सर्ग पे हम लोग आते हैं। इतने लंबे हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट जो श्लोक है उसको चूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगस्त जी के आश्रम में हम चलते हैं। याद रखिए सारी एक्सरसाइज है जिससे कि हमारा हमारे अंदर भी त्याग की भावना बढ़े, राम जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए और जो हमारे अंदर निशाचर हैं हाँ वो खत्म। निशाचर मतलब निशायाम चरति, जो रात्रि में आते हैं, नॉक्टर्नल हैं, अज्ञान की रात्रि में और विश्वास न होने की रात्रि है। ये लोग कुछ पता नहीं है बेकार में क्या है, जीवन है, इसका फल क्या है, काम का फल क्या है, ऐसे ही कोई चलता जा रहा है, उसको बोलते हैं निशाचर। हाँ अब अगस्त जी के पास तीनों जा रहे हैं। अगस्त जी सुतीक्ष्ण जी के गुरु थे। अब विनोद में बोला जाता है कि जब इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, शिक्षा अगस्त जी से, तो इन्होंने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा क्या दें। तो बोले नहीं आप बताइए। तो बड़ी जिद की है ये अगस्त जी से। अगस्त जी थोड़ा झल्ला गए, बोले तुम तो ऐसा अपने से भगवान ले आओगे क्या तुम? उन्होंने झल्ला के बोल दिया। तब इन्होंने तपस्या किया और उन तपस्या के बाद जब इनके पास भगवान आ गए, तो जब ये आए तब बताते हैं कि वो बोले गुरुदेव, बोले तुम फिर आ गए, बोले गुरु दक्षिणा लाए हैं। कहा तुम फिर तंग कर रहे हो गुरु दक्षिणा को लेके। और फिर जब उन्होंने दिखाया तो अगस्त जी जो है द्रवित हो गए। और फिर ऐसा संत लोग बताते हैं, हमने कहीं इसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन संत लोग कहीं ना कहीं से उनको मिली होगी ये बात, संतों की बात पे उनकी अथॉरिटी। कभी कभी तो हम जब दूसरे पुराण पढ़ते हैं तब वो इंसिडेंट हमको दिख जाता है आगे पीछे, इतनी ज़्यादा बातें हैं। यही कहानी कहीं और पुराण में भी है, उसका कोई और पक्ष है, यहाँ कोई और पक्ष है। जैसे कि चार लोग इस कैंप के बारे में बोलेंगे, सो सब लोग अलग अलग बात हाईलाइट करेंगे। कोई कहेंगे भाई भोजन बड़ा बढ़िया रहता, कोई कहेगा नहीं क्लास बड़े रोज बड़ी होती थी, हमें लगा नहीं होगी लेकिन क्लास हो रेगुलरली होती थी। हाँ कोई कहेगा कि जो है ना लाइट बड़ी आती जाती थी, लाइट। कोई कहेगा कि हम भागते थे सुबह शाम, विष्णु सस्ना मिस हो गया हमारा कई बार। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे। कोई कहेगा फोन हमारा बच गया, तो डिपेंड करता है। सब लोग अलग अलग बात हाईलाइट करेंगे। कोई कहेगा नहीं स्वामी जी क्लास बहुत लेते हैं, वो छोड़ते नहीं थे एक दिन, मतलब आफ्टर एवरी वीक देर शुड बी वन डे इंटरवल, तो थोड़ा हम रेस्ट ले लें एक दिन, जरा सुस्ता लें, लेट लें, एक चीट डे होता ना चीट डे। जो डाइटिंग करते हैं हमने सुना एक चीट डे होता है, पूरा दिन में आप जो मर्जी सो खा सकते हो। नहीं होता, हमने सुना है ऐसा होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी आफ्टर एवरी 7 डे एक डे की ऐसी छुट्टी होनी चाहिए, कहीं भी जाओ, इधर देखो पिक्चर देख के आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ। थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया मामला। तो
मतलब हम ये नहीं कह रहे आपको ऐसा कहना है, लेकिन शायद किसी के मन में ऐसी बात, कोई कहेगा दर्द होने लगा यहाँ बैठे बैठे, सबको एक गद्दी देनी चाहिए। तो जो एक एक आपको मिला है एक बैग, उसमें एक गद्दी के भी बैग होने चाहिए। तो बैठे बैठे काफी दर्द हो रहा है सबका अलग अलग। उसी तरह से सब ऋषियों ने, अब यही जो प्रसंग है अगस्त जी वाले में, दूसरे रामायण में दूसरा एस्पेक्ट उभारा होगा हम बोल रहे, दूसरा दब गया। तो कभी आप ये मत सोचना कि इन लोग अपने सुरताल में हैं। सारे उपनिषद सारे रामायण में बड़ा कॉमन से पॉइंट। चलिए अब अगस्त जी के बारे में हमने बोला था, दो इंसिडेंट बोला है। राम जी इसके पहले जाएं तो उन्होंने दो इंसिडेंट बोला है। पहले बोलते हैं वहाँ पे दो राक्षस थे, एक का नाम था वातापी, एक का नाम था इलवला। 55 श्लोक है, 55वां श्लोक। यही गदा किल क्रूर वातापिरपि च इलवला भ्रातरौ सहिता वास्ताम ब्राह्मणौ महासुरौ। इन लोग बड़े दुष्ट थे। क्या दुष्टता थी इनकी? ये जो है, जो वातापी था, ये लोग किसी ब्राह्मण को इनवाइट करते थे श्राद्ध पक्ष में। तो इसमें से जो एक था वो मर के जैसे साग बन जाता था, खाने वाली कुछ ईटेबल चीज, वो ब्राह्मण वो खा लेते थे। हाँ, वातापी बन गया। इलवल जो था वो बाहर बैठा रहता था। तो जब ये लोगों के पेट में चला जाता था तब वो चिल्लाता था वातापी वातापी, तो वो जो है जो अंदर गया था साग के रूप में, वो पेट फाड़ के बाहर आ जाता था उसका नाम। तो वो फिर मार देते थे इस तरह से। शायद ये सुना होगा आपने, बाल विहार की स्टोरी में भी शायद इसको बताया जाता है, वातापी और इलवल। नहीं सुना था ये है। तो एक बार अगस्त जी को बुलाया गया। हाँ, वो लोग दे हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर नाउ। अब तो ये जो साग बन के अगस्त जी के पेट में चला गया, अब जब अंदर चला गया तब इलवल ने बुलाया वातापी वातापी, आए नहीं हुआ। तो अगस्त जी ने कहा कि क्या बात है, तुम क्यों, किसको बुला रहे हैं, तो कोई नहीं है। बोले नहीं कि आपके पेट में है। बोले तुमने पचा लिया उसको वो तो गया। कहीं कैसे हमने पचा लिया, आप गजब हैं। बोले अब तुमको पचाएंगे, हमारा नाम कुंभज है। हाँ, हम कुंभ से पैदा हुए और हम पूरा सागर पचा सकते हैं, ये क्या है छोटा मोटा। इसको फिर इन्होंने मार दिया। अब ध्यान देना, हम लोग जब भोग करते हैं तो कोई आसुरी वृत्ति को पेट में ले लेते हैं, अपने मन में ले लेते हैं, मन रूपी पेट में ले लेते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, बाहर का प्रारब्ध वो चुपचाप बैठा रहता है मन के अंदर, चाहे वो क्रोध हो, चाहे काम हो, ईर्ष्या हो, बाहर की परिस्थिति उस वृत्ति को बुला लेती। अगर काम देने वाली परिस्थिति ना हो, वृत्ति दब के बैठी रहे, क्रोध की वृत्ति बैठी रहे, लेकिन बाहर कोई कुछ ऐसा करता है कि हमारी वृत्ति आ जाती। अगर हमारे अंदर वो वृत्ति हो ना, बाहर से जितना भी कोई करे तो नहीं आएगी। अगर आप कभी मांस मछली नहीं खाए हैं और आपको बिल्कुल मन नहीं करता, तो बाहर कोई ले आए तो आपको तो उसके महक से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक सामने खाते हुए देखकर वो आपके अंदर वो वासना नहीं है तो नहीं निकलेगी। स्मोकिंग कोई कर रहा है, आपकी स्मोक करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब अंदर कोई वासना होती है तो बाहर की परिस्थिति उस वासना को बुलाती है और वो फिर हमारे सीमा को तोड़ देती है। यही पेट को फाड़ना हुआ, इट क्रॉसेस द लिमिट। इसीलिए दुस्संग सर्वथा त्याज्य, दुस्संग का त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुस्संग हमारे अंदर की नेगेटिविटी को निकाल देगा। वो बैठा हुआ है
और हम लोग कभी कभी उसका किसी चीज का भोग करने से ही आप वीक हो जाते हैं उस इशू को लेके। पता नहीं कोई हमारा ईर्ष्या निकाल दे, पता नहीं कोई हमारा काम निकाल दे, पता नहीं क्रोध निकाल दे, पता नहीं हमारा एम्बिशन निकाल दे। अभी अभी अच्छा है। हाँ, मान लीजिए आप गए और हमारे हमारा बेटा इतना अच्छा नहीं है। अब किसी ने पूछा, भैया आपका बेटा क्या करता है? मान लो सेटल नहीं हुआ है तो अपने अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स है या अपने अंदर दुख है वो प्रकट हो जाएगा, क्रोध प्रकट हो। फिर लोग बोलते हैं इन्होंने गुस्सा दिलाया, नहीं उन्होंने गुस्सा निकाला। वो कोई भी कहीं से आप हर्ट थे किसी इशू से बचपन से, या कोई इशू होगा, कोई इरिटेटेड इशू आपके अंदर है। जब आप 10 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, हाँ या 30 साल के होंगे, तो आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ किसी का गड़बड़ किया नहीं था। हो सकता है किसी ने पैसा ले लिया हो सकता है किसी ने बोला हो सकता है जो प्रमोशन ड्यू था नहीं मिला हो सकता है किसी ने डांट दिया हो। कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहीं जो स्कार छोड़ देते हैं और एक गुस्से की कैपेसिटी टेंडेंसी बनी रहती है। हम अच्छे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा हुआ कि हमारी वो जो टेंडेंसी थी, इशू कुछ और था, जो नहीं है, जिस पे इतना क्रोध नहीं आना चाहिए वो आ गया। यही वातापी और इलवल का कमाल है। बोले हम करें क्या, आप पचा ले जाओ। इसीलिए हमने शायद पता नहीं कमरे में बोला कि यहां बोला था कि कभी थॉट को ना हाफ कुक्ड नहीं रखना चाहिए, इट शुड कल्मिनेट एंड डाइजेस्ट। ध्यान देकर सुनिएगा, हाफ कुक थॉट क्या होता है कि आपको लगा कि आज जो है हम अपना कपड़ा सब धो लेंगे, एक घंटे के टाइम है, 5 बजे के बाद, 5:30 के बाद हम कपड़ा सब धो लेंगे, 6:30 बजे तक कपड़ा जितना है, क्योंकि अब पहनने को बचे ही नहीं है, और आज हम धो के, पता नहीं यहाँ धोते हैं कपड़ा ये सबको कहीं से, लॉन्ड्री वगैरह है, लॉन्ड्री सर्विसेज है, हाँ, तो आपको लगा हम खुद दे लेंगे, हाँ, और कपड़ा काफ़ी पाइल अप हो गया। फिर आप बैठे अपने वॉशरूम में गए कपड़ा धोने के लिए, सारा लेके बैठे, तभी किसी ने नॉक किया दरवाजा, अरे यार हम कपड़ा धो रहे हैं, अब हम अंदर बैठे नॉक कर रहे हैं लोग, कौन है भाई? पता लगा दरवाजा खोला, कहें क्या हुआ? कहें सुनिए आपको बुला रहे हैं वो। कौन? बोले किचन में काम है, थोड़ा सेवा है किचन में, आपका नाम है। बोले पहले बताना चाहिए था। बोले जल्दी चलिए आप, 15-20 मिनट में आप निपट जाएंगे। अरे यार हम हाथ में साबुन लगा ऐसे आ गए, क्या यार, आप छोड़ दिए उस काम को। फिर आप गए किचन में, हाँ, या किसी ने बोला कि स्वामी जी बुला रहे हैं। बोले व्हाट? किसी को डराना तो ये बोल सकते दर्पण आश्रम में, हाँ हम कभी ऐसा, लेकिन किसी को डरा बोले स्वामी जी कॉलिंग यू, अरे बाप, उनका खाना छोड़ जाता है, बोले आफ्टर लंच इज कॉलिंग, अरे बाप रे, खा नहीं पाते फिर तो। हम कहते मत बोलो किसी को, लंच होने के बाद बुलाना उसको बस। अब वो हाफ कुक थॉट रह गया कि हमें कपड़ा धोना है, आप बिजी हो गए, समझ गए ना, ये डिजॉल्व नहीं हुआ थॉट, अब ये सपना में आएगा, आपके सपने में आएगा, सपने में आएगा कि आप पहाड़ भर कपड़ा के ऊपर बैठे, कुछ भी इस तरह का आ सकता है, ये हमको पसंद नहीं है, ये काम ये क्यों करता है इस समय, हाँ ये थॉट डिजॉल्व नहीं हुआ है, गुस्सा आपने प्रेसिपिटेट करवा लिया, काम प्रेसिपिटेट हो गया। ये जितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो डिजॉल्व ना होके ये प्रेसिपिटेट होके पाउडर रूप में बैठ जाते हैं अंदर, जैसे ही पानी पड़ेगा ये बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे,
इसी को बोलते हैं अनडाइजेस्टेड थॉट। आपकी पाचन क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और दो ही चीज पचाती है, उसका नाम है हमारी भक्ति या वैराग्य या ज्ञान। तीन चीज कर लेते हैं। बोले उसने ऐसा बोला, कोई बात नहीं। बोले उसने हमको आदर नहीं दिया, प्यार से बात नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, कोई करे ना करे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्यार से बात उसने नहीं किया, हमें बहुत लोगों ने बात किया है, हमारे अंदर कोई, हम तो करेंगे वो जैसा भी, हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हमारा जो प्यार है वो कम नहीं होगा, जो भी है इट्स भगवान का प्रसाद है। 10 लोगों ने हमसे प्यार से बात किया, 11 नहीं किया, हमें फर्क नहीं पड़ता, मोर हैप्पी। इसको बोलते हैं डिजॉल्व हो गया आवेश। पचाना बड़ा मुश्किल है यहाँ एक्सपीरियंसेस को, वो इम्प्रेशन बन जाता है। अनडाइजेस्टेड थॉट इम्प्रेशन बन के एक बड़े रॉन्ग समय पर आता है, और डाइजेस्टेड थॉट इट इज कुक्ड, फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको याद आएगी उसकी, देखो उसने हमारा अपमान किया, बोले कोई बात नहीं। इंसिडेंट के साथ, हर इंसिडेंट के साथ ईश्वर के प्रसाद का स्मरण हो, वैराग का स्मरण हो या आत्मा का स्मरण हो, इसका नाम है डाइजेस्टेड थॉट। तब आप फ्री हो गए। यही अगस्त है। आई होप आप पकड़ लिए इस बात को। आप जो है ऐसा ना हो कि थॉट पचे ना हो। हम लोग बहुत सी चीज हाफ कुक्ड रखते हैं, वुंडेड रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इसने बहुत हमको परेशान किया, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस आदमी से। सपोजिंग ये थॉट आपके मन में आ रहा है, अब वो बहुत परेशान है हम इसके साथ, हम तंग आ गए हैं। अब ये रहेगा थॉट आपका। अब ये बार बार उबल के आएगा, दिन में 10 बार 20 बार। आप आज जैसे परेशान हो, ऐसे कल भी परेशान होंगे, फिर 2 दिन बाद परेशान होंगे। देर शुड बी नो मेमरी विच शुड ट्रबल यू वेन इट कम्स इन द माइंड। आई होप आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं। बहुत सी बात अच्छी होगी, बहुत बुरी होगी, अच्छी मेमोरीज भी हैं। और कोई मेमोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमको पुल करे बहुत ज़्यादा, कि फिर से करें, फिर से मिलें। जैसे आप केदारनाथ गए, बड़ा आनंद आया, वो मेमोरी आई, अच्छा लगा। एवरी मेमोरी शुड बी एसोसिएटेड आइदर विद डिवोशन, डिस्पैशन और नॉलेज। इट्स नॉट बी एसोसिएटेड विद घाव एंड वुंड। उसकी बुराई है, कोई बात नहीं, कभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, इट्स अ लॉन्ग वे। ये बात रास्ता ही ऐसा है। उसने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, प्रारब्ध था, भगवान ने प्रसाद दिया, आई थिंक आई वॉज मेच्योर्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। अच्छा ही है, हमारे लिए टेस्ट है। जब तक कि कोई इमोशनल चैलेंज ना दे तो हम लोग ग्रो नहीं करते। अच्छा है, अच्छा है, हम आई नॉट हैव आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट। हम खुश हैं, भगवान ने हमको दिया, बहुत दिया, हमें कोई उसका ग्रज नहीं है, हमें इरिटेशन नहीं है। परिस्थिति चोट नहीं लगानी चाहिए मन स्थिति। आप हेल्दी रहो माइंड से, इट शुड बी हेल्दी माइंड। हमारा हेल्थ कोई परिस्थिति बिगाड़ ना दे, हमें कहीं कोई काम ही ना बना दे, कहीं जेलसी ना बना दे। हमारे ख्याल से बात तो स्पष्ट हो गया आपको। इसी का नाम है अगस्त जी, और अगस्त जी ने दोनों को पचा लिया। नहीं, खाया तो एक को ही था, दूसरे को नहीं खाया, जो बात इलवल था उसको तो नहीं खाया, लेकिन मार जरूर डाला। किसी और को भी अगस्त जी ने मारा था शाप से, आपको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? इसके पहले भी एक, कौन, किसको, सूरज कौन था, ताड़का के है? मारिश को नहीं मारा था, हाँ हस्बैंड को मारा था। सुंद नाम था, हाँ। बोले ऐसे तो याद ही नहीं हमको, कहा कि इतनी पूरी कथा हो गई 7-8 दिन,
हमें बस यही याद है कि आज फिर जाना है। ये एक एपिसोड है जरा अपनी। हाँ, हम देखते हैं कई लोग जो है होते हैं ना, स्पेशली जो पहलवान होते हैं, इतना खाते हैं मतलब हमें आश्चर्य हो जाता है। जैसे चावल होता है ना, चावल जैसे, पता नहीं आपने मकान बनवाया होगा, सीमेंट में पानी मिलाते हैं, सीमेंट होता है ना, सीमेंट उसमें पानी मिलाते हैं और फिर ऐसे उसको करते हैं, फिर उसके बाद प्लास्टरिंग करते हैं, वैसे वो चावल में दाल डालते हैं। अरे कंपटीशन होते हैं आजकल खाने पीने के, फिर उसमें मिलाते हैं, हमको लगता है आदमी मर जाएगा खा के। वो बढ़िया अपना खा लिया अच्छे से, फिर हमको लगता है काफी मोटा तगड़ा होगा, कुछ नहीं, ही इज ओके। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म अच्छा। उम्र बढ़ने के साथ इसलिए आदमी मोटा हो जाता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ऐसा सुना हमने, पता नहीं है। अगर आप अपने 20-30 साल पहले की फोटोग्राफ देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कैसे हैं आप, एकदम दुबले पतले थे। पचाओ थोड़ा सा, टाइम दो, इसी से ध्यान, इसी से जब आप मेडिटेशन करते हैं या जप करते हैं तो थॉट आते हैं, अनडाइजेस्टेड थॉट आएंगे आपके जप में, पूजा में, लेटेड काम, उसको थ्रो मत करिए, ना तो रिजेक्ट करिए ना तो एक्सेप्ट करिए, लेट इट कम, बस उसके साथ सॉल्वेंट लगा दीजिए भगवान का, जो आप पूजा में जप कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, उसका सोल्यूशन लगा दीजिए उसके साथ, लेट इट डाइजेस्ट, उस समय वो डाइजेस्ट हो जाता है। यही अगस्त जी की खास बात, एक इंसिडेंट तो ये सुनाया, ठीक है ना, अपने काम की बात है। एक इंसिडेंट और सुनाया जो कि हम कई बार बोल चुके हैं इसको रामायण के क्लास में, विंध्याचल पर्वत का नाम सुना, विंध्याचल पर्वत, बड़ी भारी श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल को लगा कि सूर्य हमारी परिक्रमा करे, तो ये महाराज चलते रहे, ये भी है इसी में, ये विंध्याचल पर्वत का, ये देखिए 85 श्लोक है, उसी मार्गम निरुद्धुम निरुद्धुम सततम भास्करस्य अचलोत्तमम अचलोत्तम संदेशम पालयस्तस्य विंध्य शैलो न वर्धते। अब जो है ये विंध्याचल पर्वत, अब सूर्य क्यों परिक्रमा करेगा, विंध्याचल पर्वत तो पर्वत है, सूर्य परिक्रमा कैसे करेगा, भगवान का नियम है। तो विंध्याचल पर्वत खड़ा हो गया, उसने कहा हम सूर्य की गति रोक देंगे, अंधेरा होने लगा। अब जो है अगस्त जी उसे निकले, विंध्याचल पर्वत जो था उसने प्रणाम किया इनको, अगस्त जी को साष्टांग प्रणाम किया। तो अगस्त जी ने कहा कि तुम ऐसे ही रहो जब तक कि वापस ना आए। तब वो नॉर्थ से साउथ इंडियन हो गए अगस्त जी, ये सही लेटा रह गया, आज भी लेटा हुआ है, अभी आया नहीं है अगस्त जी। कभी कभी लोग साष्टांग प्रणाम करते उठते ही नहीं, बड़ा एम्बेरेसिंग लगता है कि उठिए भाई, क्योंकि लेटने के पोस्चर में नींद ही आ सकती है। तो वो जो विंध्याचल पर्वत है, अब ध्यान देना, विंध्याचल पर्वत एम्बिशन है। जो एम्बिशियस पर्सन होता है ना, उसको लगता है हमारे आसपास के लोग हमारी माने, हमारी पावर हो, हमारा नाम हो, ही wants authority, he wants to be on the top, he wants that his जो वो है वो सब लोग उसको समझें। बहुत ऊपर किसी को नहीं देख पाता कोई, उसको कोई ऊपर जा रहा है उससे, he can't take it, उसको लगता है हमारी अथॉरिटी, मेहनत तो हम करते हैं, काम तो हम करते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, टैलेंट हमारे में है, हाँ एक्सेल तो हम करते हैं, और आगे इन लोग निकल रहे हैं,
बोला कि सब लोग तो सूर्य को ही नमस्कार करते हैं, जिसको देखो वही सूर्य का नमस्कार कर रहा है, हमको तो नमस्कार भी नहीं करता। अगर लेकिन उसके में एक बहुत बढ़िया बात थी, वो संत भक्त था। और जब विंध्याचल ने प्रणाम किया और वो झुक गया, तो मच गया। अब भगवान राम का जब अवतार हुआ तो चित्रकूट में विंध्याचल पर्वत में ही रहे वो, और उसमें एक कामतगिरी करके एक पर्वत है चित्रकूट में, कामतगिरी करके जगह है, उसकी परिक्रमा भगवान कर देते। जो समर्पण कर देता है, जिस ब्रह्मांड के मालिक भगवान है, एक सूरज की जो परिक्रमा करवाना चाह रहा था, अब वो भगवान उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये मैसेज आप अपने लिए रख लीजिएगा। दुनिया में हमको प्रणाम करना सीखना पड़ता है, नॉट फिजिकल प्रणाम, इट इज़ अ स्पिरिचुअल एंड इमोशनल प्रणाम। प्रणाम मतलब होता है आप जो कहते हैं हम उसको मानते हैं, आपके सामने हम छोटे हैं। कहीं छोटे बनने का अभ्यास होना चाहिए। जहाँ हम छोटे बन जाते हैं वहाँ हमारा एम्बिशन धीरे धीरे कम हो जाता है। जिस समय प्रणाम किया अगस्त ऋषि को विंध्याचल ने, उस समय उसका एम्बिशन कम से कम अगस्त जी के सामने एम्बिशन नहीं था। और जगह एम्बिशन होगा। सूर्य किससे एम्बिशन था कि सूर्य से आगे बढ़ना है, लेकिन अगस्त जी से आगे बढ़ना है ये एम्बिशन नहीं था। बस यही उसका स्ट्रांग पॉइंट था। एक स्ट्रांग पॉइंट से आप सारे वीक पॉइंट को कंकर कर सकते। यू नीड वन स्ट्रांग पॉइंट, यू कैन कॉन्कर ऑल वीक पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट स्ट्रांग पॉइंट डज नॉट डिमिनिश। चलो भाई, ये दो इंसिडेंट यहाँ पर आया है। अब यहाँ पे बोला गया कि जो लोग क्रूएल हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, 90 श्लोक, नात्र जीवेन मृषावादी क्रूरो वा यदि वा षटः नशंस पाप वृत्तो वा मुनीरेश तथा। इन्होंने बोला कि जो लोग झूठ बोलते हैं या क्रूर हैं या शठ हैं, जिद्दी हैं, ये लोग आश्रम में नहीं जा सकते अगस्त जी के। अब इन लोग अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। हाँ, अगला द्वादश सर्ग, इन लोग पहुंचे तो शिष्यों ने बताया इनसे अगस्त जी से कि भाई इन लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि बुलाया जाए, तुम लोग बात क्या करो, बुलाओ उनको। तो 11वां श्लोक है, बोलते हैं मनसा कांक्षितम यस्य मया अपि आगमनम प्रति गम्यताम सत्कृतो राम स भार्य स लक्ष्मण। बोले जिसकी हम मन से आकांक्षा करते थे। देखो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कोई आ जाता है। हाँ, बस श्रद्धा सेकेंड स्टेप न, संकल्प, कुछ भी आप कर सकते। आपके अंदर ऐसी भगवान ने इतनी बड़ी चीज दिया है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ाते नहीं है। श्रद्धा जितनी है उससे अधिक हो बढ़ाना चाहिए। कोई भी गुण जब आप बढ़ाते नहीं हैं तो वो कम होने लगता है। इट इज लाइक लव, आइदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। किसी संबंध में हमारा प्यार उतना ही नहीं रहता, इट वैक्सेस और विंस। अगर बढ़ाएंगे नहीं तो कम हो जाएगा। ये गुण के साथ भी है। श्रद्धा बढ़ाया उन्होंने, मनसा कांक्षितम, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उन्होंने इच्छा की तब भगवान आएंगे। तो गम्यताम मतलब उनको बुलाया जाए, लोट लकार इसको बोलते हैं, इंपेरेटिव केस। सत्कृतो राम सभार्य स लक्ष्मण, दोनों को बुलाया जाए। अब इनके पास आए भाई, तीनों लोग आए तो तम ददर्श अग्रतो राम, 22वां श्लोक, तो रामो मुनि नाम दीप्त तेजसाम, एकदम तेजस्वी। अब ये जो इनके बाहर निकल रहे थे अगस्त जी, कई ऋषियों के साथ बाहर निकल रहे थे, तो लोगों को लगा कि कई ऋषियों के साथ इसमें अगस्त जी कौन है। हालांकि अगस्त जी थोड़ा हाइट में छोटे थे, अगस्त जी की जो हाइट थी छोटी थी। हाँ, तो लिखा है कि लेकिन उनको देख लिया, उन्होंने लिखा है अवदारेण अवगच्छामी निधानम तपसाम इमम।
उनके चाल चलन से पता चल गया कि यही अगस्त है। हमने कई बार बोला व्यक्ति की उपस्थिति उसका परिचय होता है। संत के पास कोई परिचय नहीं होता कि कहाँ के हैं, लंबे हैं कि चौड़े हैं, हाँ बाल है कि बिना बाल के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं। हिज प्रेजेंस इज हिज इंट्रोडक्शन। उनके रहने से जो शांति मिलती है, जो उनके अंदर सिद्धि है, वो उनका परिचय होता है। तब वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला भाई आप पूजनीय हैं, आपको पहले कुछ खिलाया विलाया जाए, आश्रम में अच्छा फल वल रखा था तो फल वगैरह खिलाया गया। भाई फल ही खाएंगे, ये थोड़ी ना कि बादाम का हलवा खाएंगे, ये तो नहीं होगा। हाँ कहाँ गया बादाम का हलवा भाई। ये थोड़ी ना है, ये सब बनाया गया है, वो फल है यहाँ से, ये है वो खाया क्या उन्होंने। उसके बाद 13वें अध्याय में आता है त्रयोदशह सर्ग। हाँ 22वां अध्याय उसके बाद है, 22वां 23वां भी अच्छा है। अवदारेण अवगच्छामि, हमने बोला था अवदारेण अवग, अवदार मतलब मैग्नानिमिटी। हम उनके प्रेजेंस देख लिए कि इनमें तपस्या बहुत है। आदमी जो पाठ करता है, पूजा करता है, या जप करता है, या दान देता है, कोई भी कर्म आपके बाद चेहरे पे बैठ जाता है। आपके कर्म चेहरे पे बैठ जाता है, आपकी आँख में बैठ जाएगा, आपके मस्तक पे बैठ जाएगा, आपका जब बैठ जाता है। चेहरा एक सीट है, गोलक है सारे कर्म का, दिखा देती बहुत सी चीज़ें। इस तरह से उन लोग समझ गए कि यही अगस्त जी होंगे। तो अब अगस्त जी ने उनको खिलाया विलाया अच्छे से, उसके बाद बातचीत शुरू हुई 13 चैप्टर से। 75 चैप्टर है, 75 अगर आपको याद हो अरण्य कांड में। हाँ बाल कांड में कितना था? 77। अयोध्या कांड में 119। अभी इसमें 75 है। किष्किंधा में कितना है? 67। अच्छा सुंदर कांड में, अरे भाई लंका कांड में 129 128 9। उत्तरकांड में, अच्छा यूनाइटेड वी स्टैंड। किसी को बाल कांड याद है, किसी को अरण्य कांड, किसी को सुंदर कांड, ये अच्छा है। तो अब उन्होंने कहा देखो त्रयोदशा सर्ग, स्पीड तो ठीक ठाक है, शायद पूरा हो जाएगा क्या। तो लिखा है पहला श्लोक देखिए, राम प्रीतोस्मि भद्रंते परितुष्टोस्मि लक्ष्मण अभिवादय तुम यन्माम प्राप्तौस्थ ससीतया अध्यश्रमेण वाम खेदः बाधते प्रचुरश्रमः व्यक्तमुत्कंठते वापि मैथिली जनकात्मजा एषा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता प्राज्य दोषम वनम प्राप्त भर्तृस्नेह प्रचोद। बस बोले सबसे पहले राम हम प्रसन्न हैं, राम प्रीतोस्मी, ये वोकेटिव केस इसको बोलते हैं संबोधन विभक्ति, प्रीतोस्मी। राम मत बोल दीजिएगा, हाँ राम प्रीतोस्मी, हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न मतलब, बोले प्रसन्न मतलब कि इज प्लीज्ड, प्रसन्न है कि जो तुम्हारा भाव है, त्याग है, हमको विदित है सब। एक एक अहंकारी से प्रसन्न होना मुश्किल है, लेकिन निराभिमानी से प्रसन्न होना आसान है। जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं उससे बाकी भी प्रसन्न होते हैं। हाँ पढ़िए बाद में, पढ़िए बाद में, आप लोग पढ़िएगा लेटर ऑन यू स्टडी इंग्लिश का ट्रांसलेशन।
बाद में जिंदगी भर पढ़िएगा, यहाँ बस सुनिए। हाँ, फिर आप पढ़ेंगे बोलेंगे लिखा है इसमें कुछ और ही, आप कुछ और बोल रहे हैं। तो आधा इधर सुनेंगे, आधा खिचड़ी बना देंगे। राम राम प्रीतोस्मी भद्रम ते परितुष्टोस्मि लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण तुमसे भी बहुत प्रसन्न है, क्यों? तुमने त्याग किया माता के लिए, पिता के लिए। देखो, किसी को देख के एक जनरल इम्प्रेशन पड़ता है, बार बार किसी को देखो सुनो ना, उसके बारे में एक ओपिनियन बन जाता है, हर आदमी ऑब्जर्व करता है, कैसे चले थे, क्या बोले थे, कैसे किसी विषय पे आपने बहस किया था, कैसे किसी विषय पे आप शांत रहे थे। माइंड के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हर माइंड के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और हमें कहीं ना कहीं किसी से मिल के देख के वो स्टैंडर्ड अगर हमको मिलने लगता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता की परिभाषा संस्कृत में है, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। जैसे पानी है, तो पानी अगर स्वच्छ रहता है तो उसका उसकी तली दिख जाती, द वाटर बेस इज सीन इफ द वाटर इज वेरी क्वाइट एंड वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। उसी तरीके से जब ईश्वर प्रसन्न रहता है तो वो ईश्वर सब अंतर्यामी बन के सारे जगह है, तो वही ईश्वर दूसरे के मन में उससे प्रसन्न रहता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, जापर नाथ करो तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। इसलिए राम जी को अलग से नहीं कुछ एक्सरसाइज करना है प्रसन्न करने के लिए, वो तो ईश्वर ने आपके हर इंटेंशंस को भापा हुआ है कि इसको क्या, इसका भाव था, इसके मन में द्वेष था कि राग था कि त्याग था, कौन सी बड़ी भावना इसके पास थी। 90% मार्क्स आपके इंटरनल भावना पे जाता है, इंटेंशन पे जाता है। ऊपर से करते हैं उसके लिए बहुत कम परसेंटेज है। बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, लक्ष्मण तुमसे भी बहुत प्रसन्न है, और सीता जैसे तुम लोग सब आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम लोग थक गए होंगे थोड़ा सा। अध्व शमेण, अध्व मतलब अध्वन शब्द है, अध्वन मतलब पाथ, रास्ते से, रास्ते की आप थकावट हो गई होगी, आप चिंता मत करो, आप थोड़ा यहाँ विश्राम कर लो, कमरा खुलवाओ भाई। ऐसा चा सुकुमारी, बोले सीता जी बहुत थोड़ा सा इनको तकलीफ होगी क्योंकि बहुत कुमारी हैं, डेलीकेट आदमी है ना, डेलीकेट बहुत कुमारी होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, रफ टफ नहीं होते, बहुत सुंदर जो होंगे वो बहुत जल्दी थक जाएंगे क्योंकि बहुत डेलीकेट है। एक रफ टफ जो बहुत सुंदर नहीं होगा, हाँ, वो ज़्यादा टफ रहेगा। सौंदर्य एंड बीइंग डेलीकेट विल गो टुगेदर, वो थक बहुत जल्दी जाएगा, जो सुंदर होगा बहुत अच्छा रहेगा। बोले क्या, हम भी थक जाते हैं सभी। काम किए तक गए, रानी की तरह है। तो बोले भाई आप लोग थक गए होंगे, अब आप लोग इसको देखो। तो उन्होंने स्वागत वगैरह किया, और फिर वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे यहाँ भगवान राम अनुज समेत वैदेही निसी दिनु देव जपत होहि जेहि, सुनत अगस्ते तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाये। ये रामायण गाते हैं हम लोग, यहाँ गाना नहीं हो सकता। हाँ, एनीवे तो उन्होंने बड़ा आनंद आया उनको, और अगस्त जी जैसे, देखो राम जी सब जगह से आशीर्वाद लेते हैं, बड़े लोगों के ऐसा बोलते हैं कि अपने बड़ों के साथ, ज़्यादा मेच्योर्ड आदमी के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहो तब आप मेच्योर्ड हो जाओगे। यू प्ले विद द बिगर प्लेयर, डोंट प्ले विद बांग्लादेश।
कोई अच्छी टीम से जब आप खेलोगे तो आपको कुछ मूव्स मालूम पड़ेंगे, किसी मैच्योर्ड पर्सन त्यागी के साथ आप रहोगे आपको पता लगेगा कि करना क्या चाहिए। आजकल के लोग इतने अपने से भी नीचे लोगों के साथ रहते हैं तो हम लोग भी उनकी तरह हो जाते हैं। अगस्त जी के साथ रहे और फिर उनको जटायु मिले। जटायु जी ने बोला अगला श्लोक जो है, अगला चैप्टर जटायु पे। अब वो तो एकदम बुड्ढे बुड्ढे थे, पता नहीं था क्या है, लेकिन राम जी ने सीता जी ने आदर, याद रखना एक बात हमारी, आप जिंदगी में किसी का तिरस्कार, पता नहीं कब काम किससे पड़ेगा आपका। यू आर इन अ वेब, यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एंड समबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू, इट इज इंटरडिपेंडेंस है। उन्होंने एक लाइन बोली, 34वां श्लोक देखो, 34 श्लोक, इदम दुर्गम ही कांतारम मृग राक्षस सेवितम सीताम चतात रक्षेष्ये त्वयि आते स लक्ष्मणे। देखो 34 मिला गया ना, 34 श्लोक, 14 चैप्टर। उन्होंने बोला कि राम और लक्ष्मण जब तुम नहीं रहोगे कुटिया में तो सीता की रक्षा हम करेंगे। अब उस समय क्या हो रहा था, एक झाड़ू लगाने वाले की जरूरत पता नहीं कब पड़ जाए, एक प्लम्बर की जरूरत कब पड़ जाए। और भगवान का नियम है कि जो जिसका तिरस्कार करता है भगवान उसकी जरूरत आपके जीवन में पैदा करवा देते हैं। एक दिन एक पुरुरवा करके एक करेक्टर है भागवत में, सभी जगह ही आते हैं, कि इंद्र ये गए स्वर्ग, गए स्वर्ग पुरुरवा, इंद्र ने इंट्रोडक्शन करवाया। इंद्र ने बोले ये जो है अग्नि देवता है। बोले अग्नि बहुत दिन से दिखे नहीं, वे क्या हाल है। बोले ठीक है। बोले ये जो है वायु देवता है। बोले वाह धन्यवाद। बोले ये सूर्य देवता है, ऐसे परिचय करवाते ना। बोले ये जो है यम देवता है। सब बोले, ये बोले ये काम देव है। बोले ये काम देव तुम बात ही नहीं किया उन्होंने। बोले आगे बढ़िए, तिरस्कार कर दिया। तब काम ने कहा हम तुम्हारे जीवन में इतना परेशान करेंगे काम देकर। अब उनकी इतनी परेशानी हुई कामदेव से, उनको उर्वशी पसंद, उसको नहीं स्टोरी बताएंगे, उर्वशी पसंद आ गई, बहुत कुछ घटना हुई, फिर उर्वशी छोड़ के चली गई, जो दुर्दशा इनकी हुई। एक पेड़ का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पृथ्वी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो जटायु तो एक गिद्ध थे एक्चुअली, दशरथ जी के मित्र थे, लेकिन वो बुढ़े भी थे, इनसे कोई काम करने की बहुत उम्मीद भी नहीं थी कि सच में कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संबंध बनाया। फिर लग ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, जीवन के कुछ रूल्स हैं। लोग बोलते हैं हम आजकल सबसे दूरी रहते हैं, स्वामी जी आपका काम पड़ेगा तब आप जो है ना पीछे पीछे जाओगे, जिससे नहीं बात करते तो उससे बात करना पड़ेगा आपको, और फिर वो बोलेगा अब आए हो तुम, अब काम पड़ा आ रहे हो तुम। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आपको पता नहीं कि सिचुएशन घटना किस मोड़ पे जाएगी, ऐसी चाल चलता है प्रारब्ध की, आज तो कोई पता ही नहीं लग पाएगा व्हाट नेक्स्ट विल बी हैपनिंग। बोले हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेते स्वामी, पता नहीं कब कहां पे लेके आपको होम्योपैथिक लेना पड़े, जिसका आप तिरस्कार कर रहे थे वही लेना पड़े। हाँ हमको भी लगता था हम आयुर्वेदिक नहीं लेंगे, क्या आयुर्वेद होता है, हाँ यार क्या है आयुर्वेद, हर्ब्स है क्या, मालिश वालिश कराएंगे, ऑयल लगाएंगे, ऐसा हुआ कि आयुर्वेद ही लेना पड़ा। तिरस्कार नहीं किया था लेकिन बहुत श्रेष्ठ बुद्धि नहीं थी कि क्या आयुर्वेद है, गोली खाओ जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। अब उन लोग 5-6 बार ये खाओ, ये काढ़ा लो, ये कषाय लो, फिर इसके साथ ये मिलाओ, फिर ये मिलाओ। हाँ ये क्या लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस करो, जल्दी से करो, ऑयल लगाओ, फिर ऐसे करो, फिर वहाँ एक लेप लगाओ, फिर ऐसे पड़े रहो, ये करो वो करो। ऐसी कुछ घटना हुई,
अब पूरा नहीं बताते आपको, बाद में बताएंगे, ऐसी कुछ घटना हुई कि उन्हीं की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने सहायता भी किया, ठीक भी किया। तो आप किसी चीज को लाइफ में ना बहुत कैजुअली और लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी सृष्टि है। भगवान को बहुत तरीका है हमारा दिमाग ठीक करने का। हम लोग जिसको ऐसे ही झाड़ देते हैं, चाइना में कहीं पे सांपों को मार दिया उन्होंने किसी सिटी में, तो सीधे मारते हैं या खाते हैं, क्या नहीं खाते, उन्होंने हटा दिया उस शहर के सारे सांप कमा, उस फसल सारे चूहों ने खा डाला उसका। अब उनको सांप जो इंपोर्ट करना पड़ा, फिर सांप बोलते हैं सांप जो है इन्वायरमेंट से जहरीली वायु ले लेता है, तब उसका जहर बनता है, तो उसकी भी एक कीमत है। तो सांप का भी तिरस्कार, इसलिए हमारे यहाँ नाग पंचमी है, नाग मंदिर होता है। कुके सुब्रमणि, कुके सुब्रमणि हाँ जो कर्नाटक में है, वो नाग का ही मंदिर है। हमको ही बुलाया वहां पे, हम भी गए 2-3 बार, और जब जब गए वहां नाग का दर्शन हुआ। हाँ पूरा वहां वही है, उसमें कोई दोष किसी का होता है तो वहां जाता है। कुके सुब्रमण्य कर्नाटक में है, मैंगलोर से 2 आवर्स मैंगलोर से है, तो अलग जगह नो डाउट। तो उसका भी हम तिरस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने जटायु का त्याग, यही जटायु अभी आएंगे, हमको लगता है क्या बुढ़े लोग हैं सब, क्या है ये, क्या ये बच्चा है, क्या करेगा ये। अब लक्ष्मण जी ने कुटिया बना दिया, भगवान आए थोड़ा, पंचदश सर्ग 15 कैंटो, उसमें 27th श्लोक देखो, 27 से 30 वास। सुसमृष्ट परिश्वज्य बाहुभ्याम लक्ष्मणम तदा अतिस्निग्धम च गाढ़ं च व्यचनम च इदम अब्रवीत। जब कुटिया देखा, अब लक्ष्मण जी को कोई ऐसा भ्यास अभ्यास नहीं था कि कुटिया वटिया बने, सब राजा के लड़के थे, ये सब काम तो अच्छा नहीं, छोटा काम था, लेकिन पता नहीं कब जरूरत पड़ गई और उन्होंने बहुत बढ़िया कुटिया बनाया। अच्छा हाँ, उन्होंने 27वां श्लोक देखो, उन्होंने उसके पहले का भी है, हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है सा गत्वा लक्ष्मण श्रीमान नदीम गोदावरीम तथा स्नात्मा, पहले तो स्नान किया तथा पुष्प बलिम कृत्वा शांतिम चत्वा यथाविधिम दर्शयामास रामाय तदा आश्रम पदम कृतम सतम दृष्ट्वा कृतम सौम्याश्रमम सलील्या। सुंदर सी कुटिया बना दिया, पर्णशाला भी हम हर्षम आहरत परम। अब राम जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या किया पता है, परिश्वज्य उन्होंने गले लगाया लक्ष्मण। एक बात आपको बताते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चीज है जो आप कर सकते हैं उसके लिए। सेवा का मतलब है कि किसी एरिया में वो व्यक्ति ढूंढ रहा है किसी, शायद बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन उसको कुछ जरूरत थी, उसका एक कंसर्निंग पॉइंट था, वो आपने दूर कर दिया। उसी से आपकी कीमत बनती है किसी के जीवन में, आपके जीवन में, उसके जीवन में जिसके लिए किया। बहुत प्रसन्न हुए। अब राम जी को कुटिया की आवश्यकता थी, अब खुद बनाते या तो जब हमारा कोई एक कंसर्निंग पॉइंट दूर कर देता है, वो शायद पंखा करना हो ऐसे, इतना छोटा काम हो सकता है। हाँ हम लोग देखते थे बड़े वृद्ध जो होते थे ना, कभी कभी उठते समय उनका हाथ पकड़ना पड़ता था, वो उठ नहीं पा रहे हैं, का एक हाथ पकड़ना है, या वो थाली पकड़ के जा रहे हैं, आपने पकड़ लिया, छोटा सा काम कर लिया, या उनका कपड़ा ठीक कर दिया। जो स्वामी अखंडानंद जी थे, उनका पूरा कपड़ा सरक जाता था, तो
उस समय स्वामी गोविंदानंद जी थे, वो कपड़ा ठीक करते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे। मतलब यहां तक कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है किसी का। और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसके काम बोलिए बढ़ जाते हैं। अंतिम में तो उनको नहलाना पड़ता था, हाँ पूरा उनका बाथरूम बनाना पड़ता था। जो स्वामी जी करते थे उनके लिए गोविंदानंद जी करते थे, बोले अब हमको फिर से माँ मिल गई है, वैसा बोलते थे। बोले जो माँ करती थी अब ये करते हैं फिर से। हम लोग कर सकते हैं सेवा, ऐसा नहीं है। आप पता लगाओ, प्रीतोस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतम इदम्। बोले लक्ष्मण हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। प्रदेयो यन्निमित्तम ते परिश्वंगो मया। बोले एक हक तो बनता है, यू हग हग एक हक तो बनता है। उसमें भी सब होता था। यन्निमित्तम ते परिश्वंगो मया कृतः, बिकॉज ऑफ दैट आई गिव यू हग। सबको आप हग भी नहीं कर लोगे ऐसे, इम्ब्रेस तो बनता है। अब अगली लाइन अब अंडरलाइन कर ले। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्त पिता मामा। बहुत अच्छी लाइन है। बोले भावज्ञ हो तुम, 29 श्लोक है, हाँ 29। तुम भावज्ञ हो, तुमने अपने भाव पुत्रेण, हाँ जैसे पुत्र है भाव को जानता है अंदर की बात की। कोई नहीं बोलता कभी कभी कि हमें प्यास लगी है, सामने वाले को ट्यून होना चाहिए कि प्यास लगी होगी। अब नहीं बोलेगा कि भूख लगी है, नहीं बोलेगा कि हमें सोना है, नहीं बोलेगा कि हमें ये बात परेशान कर रही है। उसको बोलते हैं भावज्ञ। किसी के अंदर चले जाना और अंदर जाके टटोल लेना, गिज करना जिसको बोलते हैं, वो नहीं बोले लेकिन हमने टटोल लिया, इसी को बोलते हैं अनन्यता। भावज्ञ न है ना, अच्छा श्लोक। हाँ भावज्ञ न, अच्छा 29वां श्लोक है। हमारी तुम भाव को जानते हो, अच्छा हाँ। कृतज्ञेन, हर चीज बताई नहीं जाती है। हर चीज कोई आदमी जिसको सेवा करना होता वो नहीं बताता है, वो खुद ही भूल जाता है कई चीज। ऑन द स्पॉट जरूरत पर ही उसको याद आता है कि शायद ये जरूरत थी हमको, हमने बताया नहीं किसी से। हाँ तो भावज्ञ होना चाहिए। देवहूति ऐसे ही सेवा करती थी कदम से। आई मीन यू आर नोन बाय योर पावर ऑफ एंटिसिपेशन। ये हमें एंटिसिपेट करना है, ये जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कृतज्ञ न, हमारी कृतज्ञता से, बाय माई ग्रेटफुलनेस। हाँ तुम कृतज्ञ हो, कृतज्ञता से तुमने सेवा किया। हमने धर्म के बारे में बोला था, ये नहीं कि हम फंस गए यार। फंसना मतलब जानते हैं ना क्या? बोले यार वो मिल गया था कौन? अरे वही श्रीवास्तव, बात कर रहा था बहुत ज्यादा, 2 घंटे फंसे रहे, 2 घंटे बात कर रहा था, हम फंस गए। फंस गए मतलब आपको कोई काम करना पड़ता है बाहर से जो अंदर आप नहीं चाहते। मेरे सत्संग में फंस गया यार, अब बैठना पड़े और लगे कि कहाँ से आ गए। अब ये तो 7 दिन के बाद हम चल देंगे, हम अगले साल जो है ये तो हर साल करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे काम तो है नहीं, तो हम जो है 7 दिन का रखेंगे अगले बार से। पहले 7 दिन, 7 दिन के बाद हम नहीं झेल पाएंगे तो पत्नी करेगी नहीं रही है पूरा सुनिए, अच्छा है सुनना चाहिए,
बोले तुम सुन लो, हमको बता देना, हम थोड़ी ना सब सुनेंगे। उसको बोलते हैं फंस जाना। जहाँ वृत्ति और कृति में अंतर हो, कृतज्ञ है ना, मतलब इन्होंने इतना किया है, हम हमारे सब कुछ यही हैं, यही हमको सब। तीसरा है धर्मज्ञ है ना, धर्म धर्मज्ञ शब्द फिर आया। हाँ, हम छोटे हैं, हम जो हमने धर्म के बारे में कई बार बोला, जब आप किसी की सेवा करते हो तो सुखाकार वृत्ति बनाते हो, वो ये वृत्ति हिरण्यगर्भ में जाती। जैसे आपने बोला कि चलो भाई 1000 लोगों को आज भोजन कराते हैं, भोजन नहीं करा रहे हैं आप, 1000 लोगों को सुखाकार वृत्ति दे रहे हैं। बोले हम उनकी सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करा जाए, सुखाकार वृत्ति बना रहे हैं, वो सुखाकार वृत्ति हिरण्यगर्भ में जाती, कॉस्मिक माइंड में। फिर क्या होता है, फिर वो वृत्ति ढूंढेगी कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास वापस आने के लिए। हर चीज अपने सोर्स के पास जाती है, फिर उसका नाम शायद पति होगा, पत्नी होगा, गुरु होगा, डिपेंड करता है आपकी क्या इच्छा है। तो किसी के पास गुरु सुख है, किसी के पास शायद पति सुख हो, पुत्र सुख हो, शायद किसी के पास धन सुख हो। वो जो आपने वृत्ति इन्वेस्ट किया था, वो मैच्योर होके आपके पास किसी रूप में आ रही है, इसको बोलते हैं धर्मज्ञ। यू डोंट गेट पीपल इन लाइफ, यू डोंट गेट हस्बैंड वाइफ, डू गेट अ गिवर ऑफ थॉट। सुख और दुख की वृत्ति देने वाला मिला है कोई। हाँ तो बोलिए, बोले हम सोच रहे हैं, हम एकदम हस्बैंड नहीं मिला था और वाइफ नहीं मिले थे, सास ससुर नहीं मिले थे, वो कोई सुख और दुख या मिक्स्ड, कई लोग मिक्स देते हैं। बोले सुख मिला कि दुख, मिक्सचर था थोड़ा सा, फिर भी कितना परसेंट सुख दुख, मे बी 40% सुख 60% दुख। तो कैसा रहा जीवन, ओ तले ठीक था। तो सुख तो मिला था, सुख मिला था लेकिन इतना नहीं। हाँ, कई लोग हैं, कोई काम बड़ा अच्छा करते हैं, उसका एक एस्पेक्ट बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा पसंद आता है, लेकिन दूसरा बड़ा डिस्टर्बिंग रहता है। किसी किसी का रहता है, पता लगा 20% ही उसने सुख दिया, बोले इससे इसने परेशान किया। बोले क्या बताएं स्वामी जी, नहीं बोलते इस बारे में। लेकिन सुख दिया था थोड़ा, इट वॉज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ कंसर्न। कुछ लोग ऑलवेज अ सोर्स ऑफ कंसर्न और ट्रबल होते हैं लाइफ, उनकी बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका बोलना, सरकाज़म देखना, मूड होना, आप थोड़ा ऊबे से रहते हैं उनसे, एकदम थक जाते हैं इनके साथ, I'm drained out, स्वामी जी। सुबह तो दिया था उस दिन, पानी नहीं पिलाया था, शरबत पिलाया था, आशीर्वाद दिया था, आपके साथ गए थे, पैसा वैसा भी दिया था, थोड़ा सा था, पता नहीं कहाँ का हमारा कर्म फल है ये, हम बता रहे हैं आपको। धर्म आपका जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट आया है इस रूप में, और जितना इन्वेस्टमेंट किया था तब तक वो हमारे संग रहेगा, इसको बोलते हैं धर्मज्ञ। वेरी वेरी केयरफुल, आप दूसरे के लिए कौन वृत्ति बना रहे हैं,
आपको मिलेगी वापस। क्यों भाई, बोलिए ना। बोले लक्ष्मण, बहुत बड़ी बात बोल दिया भगवान राम ने, तुम्हारे ऐसे रहने से हमें लगता नहीं कि दशरथ जी नहीं है। न संवृता पिता मम, देखो क्या बोलते हैं, मतलब बोलने का भी लहजा देखो आप, किस तरह से अपने बात को व्यक्त करते हैं। मतलब हर आदमी बोलना भी नहीं जानता है, किस तरह से प्रकट किया। त्वया पुत्रेण न संवृता पिता मम, आई एम नॉट मिसिंग माई फादर बिकॉज ऑफ यू। कभी कभी जब सामने वाला सुख नहीं देता ना, तो आपको दूसरा जो सुख तो उसकी बहुत याद आती है। हाँ, तब जिसने सुख दिया तो उसके मतलब वो कितना आदमी माइंड कंपेयर करता है, जब कोई सामने वाला बहुत अच्छा रहता तो माइंड भूल जाता उसके। अब इन लोग बैठे थे गोदावरी के पास, कुटी बना लिया था। अब आज जो है लक्ष्मण जी ने भरत जी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। हाँ, लक्ष्मण जी ने ये अगला हाँ षोडश है, तो उसके बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सत्ताईसवां श्लोक देखो। अस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्र काले दुख समन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगाश्च विविधान् बहु तपस्वी नियताहाराः शेते शीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृतः प्रकृतिर्भिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसमृद्धः कुमारोन्मार्दितः कथं त्वपररात्रेषु सरयूम् अवगाहते पद्मपत्रेक्षणश्यामः श्रीमानिरुदुरो महान् धर्मज्ञ सत्यवादी च ह्रीर्निषेवो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरः दीर्घबाहुररिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यान् आर्यं सर्वात्मनाश्रितः जितसर्गस्त्वभ्रात्रा भरतेन महात्मनः मनस्थमपि तापस्से यस्त्वाम् अनुविधीयते। बस बोले इस समय जो है पुरुष व्याघ्र, भैया राम भैया भरत कितने दुख में थे, दुख समन्विता, अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं आपकी भक्ति से प्रेरित होके। धर्मात्मा, उन्होंने राज छोड़ा, तपस्वी नियता हारा। देखो ये सब है, हमने फिर बताया किसी के प्रिय होने के लिए आदमी को त्यागी होना पड़ता है। सूर्य प्रिय है सबका क्योंकि जलता रहता है। हाँ, अगर जलेगा नहीं तो प्रिय नहीं होगा। पृथ्वी प्रिय है क्योंकि हम इस पे पैर मारते हैं, उल्टा हमको नहीं मारते पैर, इसलिए पृथ्वी प्रिय है। तपस्वी नियता आहारा, आहार सुबह हम बोल ही चुके उनके बारे में कि वो आहार वही लेते थे। शेते शीते, ठंडी भूमि में सोते हैं, सुबह उठते हैं और सरयू नदी में ठंडे पानी में जाके स्नान करते हैं। चारों तरफ सुखी सुख है और बहुत सुकुमार है, ही सॉफ्ट, फिर भी जो है वो सरयू में स्नान करते हैं। उनकी आँख बहुत अच्छी है, पद्म पत्रेक्षण श्याम। एक तीसवां श्लोक देख रहे हैं, 31st श्लोक। हाँ, श्रीमान निरुदर, पेट निकला हुआ नहीं है। बोले वाल्मीकि जी भी ये सब क्या लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाँ पांच है, हाँ वो है।
इतना बड़ा पांच है, इतने ज़्यादा पेट निकला है, कहीं जाते हैं तो पहले उसको भेज देते हैं पेट को, तो वैसा है, फिर बाद में खुद जाते हैं। लेकिन निरुदरा फ्लैट स्टमक इसको बोलते हैं। अब कुछ खाए वाएंगे नहीं, फल वल खाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये तो अंडरस्टूड है। जितने भगवान हैं ना हमारे यहाँ, सबका फ्लैट स्टमक है, किसी का पेट निकला नहीं, और सब बड़े हेल्दी हैं और अच्छे डाइट वाले हैं। कोई भगवान ऐसे नहीं है। हाँ, गणेश जी का तो स्पेशल, हाँ, कपित्त भुजम है, वो कत्था खाते हैं जिससे डाइजेशन ठीक रहे। कपित्त भुजम, मोदक खाएंगे तो क्या होगा? भाई गणेश जी का पेट ज्यादा है क्योंकि पूरे संसार को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हाँ, इसलिए उनका है वक्रतुंड महाकाय। वो महाकाय हैं, सबको हजम कर गए वो। कुबेर के यहाँ गए तो सब खा डाले कुबेर का। हाँ, कुबेर का तो पहले जो डिनर दिया था वो खाए, बोले और चाहिए, इतना खाए कि सब खत्म हो गया। बोले हमको जल्दी है, गए कच्चा खाने लगे चावल दाल, बोले सब खत्म हो गया। जो जो कैंस्टर होता है, जितना पात्र है वो सब वो खाने लगे, सब किचन बर्तन साफ कर दिया, बर्तन ही नहीं बचा कुबेर जी का। बोले हमें और भूख लगी है, फिर जो खंबा था वो खाने लगे, सुना होगा आपने, वो पूरा खाने लगे। कुबेर भागे, बोले सब खत्म कर देंगे, पार्वती जी के पास भागे। इनको बड़ा अभिमान था कि हम खिलाते हैं, ईश्वर में पूरा जगत खत्म हो जाता है, कार्य में कारण लीन हो जाता है, उसका सिद्धांत ही है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिम त्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। वो तो प्रकृति में चले गए सारा, वो ईश्वरता दिखा रहे थे अपने, इसीलिए उनका पेट उस तरह से है। एनीवे, वो टॉपिक दूसरा था, लेकिन यहाँ पे निरुद्ध रहा। अच्छा लगा पढ़ के। धर्म ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं धर्म, धर्मज्ञ। हाँ देखो आ गया, बड़ा प्रिय धर्मज्ञ वर्ड इनको। और अगला वर्ड है क्या है? सत्यवादी। रिहि निषेव, रिहि निषेव मतलब ही इज बैशफुल, ही शाई, बैशफुल, जरा शर्माती है, संकोची स्वभाव के बहुत ज्यादा है, इसीलिए भगवान राम के पास की सेवा नहीं कर पाते थे। जो उनके साथ रहना था, हाँ, उनका कपड़ा ठीक करना था, कभी कभी भोजन कराना था या कुछ बात करनी थी, तो उनको बहुत संकोच होता था। लक्ष्मण जी में संकोच नहीं था, बिल्कुल संकोच नहीं, साफ साफ बोल देते थे। हाँ, मतलब जो जितना ज्यादा शील है, इसलिए शील का एस्पेक्ट लक्ष्मण में थोड़ा सा कम है। वो कस के डांट देते थे आसपास को, लेकिन ये कुछ ऐसी ऐसी बात नहीं बोलते थे, बहुत ज्यादा संकोची थे। संकोच मतलब होता है जैसे कोई आपके पास बैठा तो आप और अपने आप को संकोच कर लेते हैं कि वो ठीक से बैठ जाए। अगर वो बैठा है, आपको लगता है हमारे कारण कोई तकलीफ उसको ना हो जाए, तो रिनिषेव जितेंद्रिय। नहीं तो आदमी बड़बड़िया टाइप हो जाता है, बड़बड़िया टाइप, लूज कैनन, कुछ भी बोल रहा है, हाँ, उसको पता नहीं कि उसको तकलीफ हो रही हमारे बोलने से या हमारे इस तरह से बैठने से। पता लगा फ्लाइट में गए, आम है तो दूसरा अपना ऐसे लेके बैठा हुआ, हमको लगता है देखो अपना हमारा पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, तो आप ऐसे बैठे रहते हो, मौका पा के आप भी ऐसे कर लेते हो। क्या होगा आप लोग नहीं सब, हाँ। फिर वो भी देखता है ऐसे, उसको फर्क नहीं पड़ता है कुछ कि कहाँ है क्या है,
उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, लेकिन आप संकोची हो गए तो लगेगा नहीं गलत बात है, हमने सारा ऑक्यूपाई कर लिया, हम व्यायाम ऐसे बैठ जाते हैं। संकोची व्यक्ति के साथ रहने में उसकी उससे चोट नहीं, वो अपने शब्दों को व्यवहार को काफ़ी राउंड करके एक्सप्रेस करता है, वो उसको ये लगता है हमारे कारण किसी को परेशानी ना हो बस। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, हाँ, तो ये जो है इनको दमक एस्मा था, तो खांसते थे, तो प्रयागराज में कांग्रेस का अधिवेशन था, तो ये रात में 12 बजे आए, खूब खूब ठंडी थी और खांसते थे और दरवाज़ा बंद था, लोग वेट कर रहे थे नॉक करेंगे। एक केपी कॉलेज करके वहाँ था, केपी कॉलेज, पता नहीं कोई है कि नहीं वहाँ का, हाँ पता है केपी कॉलेज। अब वो बाहर बरांडे में पूरी रात रहे ठंडी में थर 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 करते हुए, उनको लगा हम खांसेंगे क्योंकि अस्थमा है तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद जी, जितेंद्रिय। हम लोग ने आदत नहीं डाली है इसका, वी हैव लर्न टू बी वेरी बोल्ड, हमको ट्रेन किया कुछ बोल दो, बी फ्रैंक, जो मन में आए बोल दो उसको, हाँ बोलो, लेकिन उसको आप ऐसा मत बोलो कि किसी को कष्ट हो जाए। आप बोल सकते, मतलब सच बात को अच्छे से भी बोला जा सकता है। सिंपल फूड कैन बी टेस्टी ऑल्सो, सिंप्लिसिटी इज नॉट अगेंस्ट टेस्ट। यू डोंट नीड लॉट ऑफ मनी टू डेकोरेट योर रूम, एक सिंपल रूम से भी ब्यूटी आ जाती है। यू डोंट नीड लॉट ऑफ क्लोज टू डेकोरेट योरसेल्फ, सिंपल क्लोज से भी आप सुंदर लग सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ताम झाम चाहिए, आपको पार्लर जाना है, बाल है, करना है, ये आप घर में इस तरह से रह सकते हो कि आप सुंदर लग सकते। वो जो तरीका होता है ना बहुत कम लोगों में होता है। प्रियाभाषी, देखो 32nd वर्ड्स, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, राम जी बोलते समझ में आता, बोले बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। प्रियाभाषी, मधुर, स्वीट मतलब जिसके अंदर इतनी मिठास भरी हो, जिसके अंदर भगवान का दर्द होता है वो बहुत मीठा हो जाता है। विनम्र व्यक्ति बहुत मीठा होता है, उसके अंदर का जो प्यार दिखता है ना वो आपको मीठा अच्छा लगता है। दीर्घ बाहु, लंबे, संतज विविधान सौख्यान आर्यम सर्वात्मनाशिता, जितः स्वर्ग तव भ्रात्रा भरतेन महात्मन, बोले इसने स्वर्ग जीत लिया है। 30 और वो वनस्थम अपि तापस्य यस्त्वाम अनुविधीयते, बोले हालांकि वो अलग है आपसे फिर भी वो जो है वैसे ही कर रहे हैं जैसे वन में रह रहे हैं। अच्छा चलो भाई, चलो ये बात है। फिर एक लाइन और ही बोल दिया, हालांकि बोले जिसके पति ऐसे हैं, जिसके कई के पति ऐसे हैं, वो बेटा ऐसा है, वो इतनी दुष्ट कैसे हो गई माँ। राम जी ने कहा देखो भाई लक्ष्मण, स्वीट डिश के बाद तुम करेला मत खाओ। अब वो हो गया, तुमने इतना मिठी अच्छी अच्छी, अब वो फिर वो टॉपिक मत लाओ उस समय। वो टॉपिक तो तुमको पहले लाना चाहिए था, अब जो तुम इतनी अच्छी बात कर चुके फिर तुम वही कड़वी लौकी ले आए, उसको तुम मत खाओ। हाँ भगवान ने बोला ये, बोले तुम उनके बारे में बात बिल्कुल कंडम मत करो, हाँ ते नाते अम्बा मध्यमा तात गरितव्या कदाचन, हाँ बोलो जो मध्यमा हैं उनको उनके बारे में मत बोलो। अगला श्लोक देखो, निश्चित ही वही मे बुद्धि वनवासी दृढ़व्रता भरत स्नेह संतप्ता बालिशी क्रियते पुनः, तुम बार बार उनके बारे में बात करो, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उनके बारे में तुम बार बार बात करो। हाँ ताम इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु, अंडरलाइन करो, तुम भरत की कथा करो ना, जिंदगी में जो कड़वे एस्पेक्ट है बार बार उसको मत सोचो ज्यादा, वो ऐसा ही है वैसा ही है, जो है सो है, जैसा है वैसा है,
आप मिर्ची को जाके चेंज नहीं करते कि उसको जो मीठी करके रहेंगे। इसको मिर्ची को हमने प्रोजेक्ट लिया है कि मिर्ची को मीठा बना के रहेंगे, वो मिर्ची मिर्ची ही रहेगी। बोले हम एक खेती कर रहे हैं आजकल जिसमें कि मीठी मिर्ची पैदा होगी। हमने जितने मिर्ची के फार्म थे उसमें शुगर केन का जूस डाला है जिससे कि मिर्ची मीठी हो जाए। देखो मिर्ची का स्वभाव ऐसा ही है। करेला को हमारा प्रोजेक्ट है खरबूजे का टेस्ट आए, किसमें? करेला में। करेला खरबूजे का टेस्ट नहीं आएगा उसको, जो जैसा स्वभाव कुछ का ऐसा ही होता है। आपके जीवन में कुछ चीज ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है तो है, उसके इसके बारे में बहुत सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। वर्क ऑन अ चेंजेबल एरिया, डोंट वर्क ऑन अनचेंजेबल एरियाज। देर आर सम पीपल हु आर चेंजेबल, सम सिचुएशंस विच आर चेंजेबल, उस पर काम करिए। डोंट वर्क ऑन अनचेंजेबल एरियाज, डोंट थिंक अबाउट अनचेंजेबल। ऐसा ही है वो। बोले हम समझाएंगे, फिर समझाएंगे, लेकिन बहुत समझेगा नहीं वो। अच्छा टीचिंग प्रूफ है, उसको समझ नहीं आता। देखो ना, ताम इक्ष्वाकु नाथस्य ताम एव, 37 श्लोक सेकेंड पार्ट, ताम एव इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। तुम इतनी अच्छा भरत जी की कथा कर रहे थे लक्ष्मण, फिर तुम ले आए कि पति इतने अच्छे हैं और जो है क्या नाम है पुत्र इतना अच्छा है, और इतनी क्रूर माँ कैसे हो गई। बोलो ना लक्ष्मण जी ने, 35 श्लोक देखो, कथम तू सांबा के कई तादृशी क्रूर दर्शिनी। वो पता नहीं उसकी याद कहाँ से। कथम क्यों लगाया, ऐसे ही जैसा है वैसा है। बोले हमारी नाक अगर ऐसी होती तो और अच्छे लगते। जो नाक ऐसी है थोड़ा सा अगर उठी होती ऐसे तो और अच्छे लगते। तो थोड़ा रंग हमारा ढका है, अगर और ब्राइट होते तो और अच्छे लगते। अच्छा हाँ, दांत थोड़ा ना थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग है, तो अगर वो बराबर होता ऐसा तो हम और अच्छे लगते। अगर ये दांत सब बराबर, कोई यहाँ से आए कोई यहाँ से आ रहा है, बड़ा इनडिसिप्लिन दांत है हमारे, कोई इधर चला गया कोई अंदर चला गया, कोई आपस में कुछ कोलेबोरेशन है ही नहीं। ऐसे बराबर ऐसे दांत होना चाहिए। देखो लोग कई लोगों का कितना अच्छा, जैसे जैसे कि वो रखा अनार के दाने रखे हों। अच्छा हाँ, किसी का एक यहाँ से निकल आया ऐसे निकल आया, अंदर कोई चला गया कोई बाहर आ रहा निकला हुआ है, कोई ओवरलैप कर गया एक दूसरे से, सब डेंटिस्ट परेशान है हमसे। अगर हमारा भी ठीक होता। आप अपने लिए निकाल लो ये बात, आपके जीवन में हर चीज हर व्यक्ति आपके अनुकूल, हर परिस्थिति नहीं होगा। उसमें कई लोग नॉन चेंजेबल होते हैं, उनको भगवान ही बदल सकता है। हमसे हम जो हो सकता था हमने कर दिया भैया। वो हमारे बस का नहीं है, जैसा है वैसा है। अब आप समझ गए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कब हम मिलेंगे, भगवान बोल रहे हैं। देखो किसी किसी की याद आती है, संस्मरामि अस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृदयानि अमृत कल्पानी मन प्रहलाद नानि च। उन्होंने बोले कि भगवान ने बोला कि हम उनसे कब मिलेंगे, फिर से भरत का क्या हाल होगा, कैसा होगा भरत हमारा। किसी को देख के पजेस करने का मन करता है कि कुछ ऐसी चीज होती है कि हमारे अंदर एक संतोष पैदा होता है। नॉट दैट ही गेव समथिंग एक्सटर्नल, बट ही गेव समथिंग इंटरनल। उसने हमारे अंदर एक वृत्ति डाली जो कि हमको अभी भी सोचते हैं उनके बारे में तो बड़ा आनंद आता है। शायद बचपन में कोई व्यक्ति हो आपका, कोई मित्र हो सकता है कोई रिश्तेदार हो सकता है कि कोई हो, मतलब टाइम ऑफ एसोसिएशन किसी के साथ छोटा होता है लेकिन टाइम ऑफ इम्प्रेशन एंड रिमेम्बरेंस बहुत बड़ा होता है। किसी के साथ जिंदगी भर उसी कमरे में रहो, कोई इम्प्रेशन नहीं रहता, क्योंकि ऐसा उसने कुछ दिया कि हम थोड़ा नहला लिए उसके प्रेम में,
उसके ज्ञान में ये दो लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तो सीता जी स्नान कर दिए और उसके बाद आराम से, एक उनकी कुटिया थी, दो कुटिया बनाया था एक्चुअली, लक्ष्मण जी की एक छोटी सी थी और राम जी की एक बड़ी सी थी थोड़ी सी, हाँ दो कुटिया बनाया था। अब दरवाज़ा वगैरह तो थे नहीं कि दरवाज़ा हो, ये हो, वो हो, एसी हो, ये सब तो कुछ था नहीं, हाँ। और बाहर घना जंगल, घोर जंगल था, जैसे यहाँ आवाज़ होती है ना चिड़िए की, जानवरों की, कभी रात में आप पाओ तो एक आवाज़ होती, वो आवाज़ थी, हाँ एकदम वो खतरनाक जंगल था थोड़ा, ये वाला दंडकारण्य है, हाँ सब बदमाश लोग रहते हैं। और बाहर भगवान बैठे एकदम शांत, साधना के लिए बढ़िया बढ़िया होता, अरण्यम एवं शरण्यम, हाँ जिसकी वासना नहीं होगी वही रह पाएगा वहाँ, वासनावान व्यक्ति को करने को चाहिए कुछ, कुछ करने को चाहिए, अच्छा हाँ जंगल भी जाएगा तो वहाँ कुछ प्रोजेक्ट निकाल लेगा। अगर उसको जंगल भेज दो तो वहाँ प्रोजेक्ट निकालेगा, जंगल सुधारो कमेटी बनाया तो वहाँ भी कुछ कमेटी बना लेगा वो, सब प्लास्टिक हटाओ यहाँ से, कुछ ना कुछ निकाल लेगा, पेड़ की ट्रिमिंग कर देते हैं, रास्ता भी इसमें निकाल देते हैं, वो शांति से नहीं, रजोगुण कुछ ना कुछ चाहिए उसको। अब ये जो है वहाँ बैठे थे शांत, सत्संग वगैरह करते थे। अब इसके बाद जो है, हाँ सुपर्णखा मैडम आ रही है। इनके बारे में हम लोग अगली कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे।